हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम वॉर न्यूज। यस, अकॉर्डिंग टू मीडियाज रिसेंटली अ न्यूज इन वेरी वेरी हाईलाइटेड सच एज इजराइल यूज्ड व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब्स इन गाजा सेज Human Rights Watch. What is it and why is it illegal? आप ये बता सकते हैं कि इजराइल जो है अभी फास्फोरस बॉम्ब्स का यूज कर रहा है, खास करके गाजा और लेबनान के शहरों में। तो जो ह्यूमन राइट जो वॉच टीम है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। उन्हें एक वीडियो मिलती है और उस वीडियो के आधार पे उन्होंने बताया है कि जो इसराइल है उसने गाजा के शहर और कुछ जो लेबनान है उस सिटी में वाइट फास्फोरस का बॉम्बारी किया है। ये जो वाइट फास्फोरस है, ये इतना क्यों मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं। न्यूज़ क्या रहा था, तो न्यूज़ ये कह सकते हैं कि शायद अक्टूबर की, ये ऐसे ही हाल में अभी 13 या 14 अक्टूबर की घटना है, जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच ऑन थर्सडे एंड एक्यूज्ड Israel of using white phosphorus munitions in its military operations in Gaza and Lebanon, saying the use of such weapon puts civilian at risk of serious and long-term injury. So, अगर ये बहुत ज़्यादा long-term injury की जब बात की जाती है, तो ऐसा क्या है white phosphorus में? पहले चलिए हम जानते हैं what is white phosphorus. जनरली अगर हम बात कर लें तो व्हाइट फास्फोरस है क्या, तो ये एक प्रकार का एलिमेंट जो हम लोग यूज करते हैं और इसके कई हम स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं व्हाइट फास्फोरस में। खास करके आपने देखा होगा कुछ रेड फास्फोरस हैं, जिसे हम मैचेस जो बॉक्स होते हैं, दिया सलाई जिसे कहते हैं, उसमें हम यूज करते हैं। उसी तरह का व्हाइट फास्फोरस भी है। जो ये व्हाइट फास्फोरस जो होता है, ये एक प्रकार का ओवैक्स लाइक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। वैक्स यानी मोम जैसा एक खतरनाक, कह दीजिए एक विषैला पदार्थ होता है, जो जलने पर दैट बर्न्स एट मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस एंड इन वी कैलकुलेट इन अ फॉरेनहाइट देन इट विल बी 1500 डिग्री फॉरेनहाइट एंड दिस टेम्परेचर्स दिस हाई इनफ टेम्परेचर इज कैपेबल टू मेल्ट द मेटल ऑल्सो। जो मोटी मोटी जो धातुओं की प्लेट होती है, उसे भी गलाने की कैपेसिटी होती है इस व्हाइट फास्फोरस में। अगर आप इसे देखें तो ऑफन आप देखेंगे तो ये आपके कुछ कलरलेस, कभी कभी व्हाइट और कुछ येलोइस कलर का इसे आप देखने को मिलेगा और गार्लिक लाइक इसके कुछ ऑर्डर मिलेंगे। व्हाइट फास्फोरस जो है, ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये जल्दी अगर इससे अगर आप आग अगर आप इससे जुड़ा हुआ अगर लग जा रहा है, इससे अगर कोरिलेट कर दिया जाए, अगर फायर हो जा रही है, तो इसे आप जल्दी बुझा नहीं सकते। ये कंटिन्यूस इसके जो फ्लेयर है ना, ये चलते रहते हैं अंटिल द फास्फोरस हैज बीन बर्न्ड अप, तब तक चलती रहती है कि जब तक कि फास्फोरस पूरी कंप्लीटली तरह से खत्म हो जाए, या अंटिल इट इज नो लॉन्गर एक्सपोज टू द ऑक्सीजन, अंटिल लॉन्गर एक्सपोज टू ऑक्सीजन, इट मीन्स जब तक इसे ऑक्सीजन मिलता रहेगा, तब तक ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक और हार्मफुल साबित होता है। आप देखेंगे ये जो व्हाइट फास्फोरस है, ये जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ले, इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसे होता है उस पर भी बात करेंगे। ये जो हथियार है, ये जो वेपन है, इसे डिप्लॉय किया जाता है आर्टरी सेल की बात कर लें, उसमें बॉम्ब्स में, रॉकेट्स में या ग्रेनेड्स में इसे डालकर इसे इस हथियार का यूज किया जा रहा है। जिसमें अगर हम बात कर लें तो पहले क्वेश्चन मन में आता है कि ऐसा क्या है ये व्हाइट फास्फोरस। तो ये व्हाइट फास्फोरस तो हम लोगों ने जान लिया, ये क्या ह्यूमन बींग्स के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है जो इलीगल है? यानी इंटरनेशनल अगर आप बात करें, इंटरनेशनली तौर पे वॉर के दौरान भी व्हाइट फास्फोरस को यूज करने से अवैध किया गया है, इसे अब इलीगल है, इसका आप यूज नहीं कर सकते। ये क्यों खतरनाक होता है, तो आप इसमें देखेंगे कि व्हाइट फास्फोरस कैन बर्न द स्किन डाउन टू द बोन, यानी कि हमारे स्किन को तो बर्न करता ही करता है। डीप आप बात करें, जो बोन्स होती हैं, बोन्स तक को ये पूरी तरह से बर्न कर देता है। एंड द केमिकल कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, काउजिंग द फंक्शंस
इन मल्टीपल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द लीवर किडनी एंड हर्ट, अगर सोच लीजिए, छोड़िए अगर इसके माध्यम से नहीं हो, कि डिफरेंट वे की बात कर लेते हैं, सच है अगर हवा में ही ये अगर आ गई तो इसके कुछ जो कण हैं, अगर हम एयर के माध्यम से रेस्पिरेशन के दौरान भी अगर हम इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारे किडनी, लंग्स, फेफड़ा तक में जाती हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा ये इफेक्ट हो जाती है। यही नहीं, ये तो इसका इसके जो बर्न्स होते हैं, इसके जलने की जो कैपेसिटी की बात कर लीजिए, इसे ये डबल इफेक्ट देता है, और ये लोकल इफेक्ट से डबल, और ये बर्न इटसेल्फ तो जलता ही जलता है, जनरली देखेंगे बहुत ज्यादा वेरी डीप होता है, और साथ ही साथ जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें भी जाकर ये बहुत बुरा असर डालता है। अगर इससे कोई पेशेंट ग्रसित है तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं ये या तो वो लॉन्ग टर्म इंजरी होगा या वो पेशेंट की पूरी तरह से मृत्यु होने की संभावना ज्यादातर बनी रहती है। अब सवाल ये आ रहा है कि इसमें क्यों यूज किया जा रहा है, तो ऐसे इसकी हथियार का भी बहुत ज्यादा जो है इसराइल, क्या इसराइल ये पहली बार यूज कर रहा है, क्या इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोई अभी तक प्रोटोकॉल नहीं बना है क्या इसका यूज करने के लिए? प्रोटोकॉल तो बनी है इंटरनेशनल लेवल पर, अगर हम बात करें इसके प्रोटोकॉल बने हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच टीम ने इस पर जो है वो प्रोटोकॉल भी बनाई है, और उसने कहा भी था, क्योंकि उनके पास वीडियो जो है कुछ पहुंचे हैं जहां पर इसराइल ने गाजा के शहर में और लेबनान के आसपास जो है वहां पर इस गाजा के अगेंस्ट, हमास के अगेंस्ट जो है इसका वाइट फास्फोरस का यूज किया है। तो इसमें बहुत ज्यादा वायोलेशन की भी बात की जा रही है, लेकिन एचआर की जो टीम है उसने इसे इलीगल, ये जो वाइट वेपन कह दीजिए, इसे इलीगल माना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे मैंने अभी बात की। इंटरनेशनल लॉ जो है प्रोटोकॉल की अगर बात कर लें तो ये जो इंसेंडियरी वेपन है, चाहे इंक्लूडिंग दोज कंटेनिंग वाइट फॉस्फोरस हो, आर नॉट एक्सप्लिसिटली बैंड बाय द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक ऑल फीजिबल प्रिकॉशंस टू अवॉइड हार्मफुल टू सिविलियंस, क्योंकि अगर ये जिस भी, मान के चलिए कि इतना खतरनाक है, अगर किसी इलाके में जहाँ बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन हो उस इलाके में जाकर अगर इसका अगर बमबारी की जाती है तो वहां के पूरे इलाके को ये पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। यही नहीं, इसके जो आग होते हैं वो लगभग आपके लिए बहुत ज्यादा रेडियस, लगभग 150 मीटर के रेडियस में ये फैल जाती है, और ये 7 मिनट तक कम से कम जो है वहाँ धुंध पैदा कर देती है, 7 मिनटों तक पूरा धुआं धुआं कर देती है, जिससे इंसान 7 मिनट तक सांस नहीं रोक सकता, वो सांस के द्वारा भी इस चीज को जरूर कंज्यूम करेगा, और आफ्टर दैट वो कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टेड होगा ही होगा। 1980 में एक प्रोटोकॉल आती है प्रोटोकॉल 3 के नाम से, और उसमें कहा जाता है कि सिविलियंस का, सिविलियंस को लेकर, सिविलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस डेडली आर्म का जो यूज है उसको प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन जो डिफेंस सेक्टर है वो, क्योंकि इसका एक यूज और भी है जब हम बात करते हैं कोई जो सूचना है उसको दर्शाने में, है ना, तो ऐसे चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रोटोकॉल को लेकर 1980 में इसको प्रोविजन के रेस्ट्रिक्टेशन की बात कर लें ये किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी इसे नहीं माना जा रहा है। क्या ये इसराइल की पहली बार ऐसा प्रोसेस है जिसमें इसराइल पहली बार क्या व्हाइट फॉस्फोरस का यूज कर रहा है? क्या इससे पहले किसी और देश ने भी किया होगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, ये इसराइल पहली बार इसका यूज नहीं कर रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस का यूज इसराइल पहली बार नहीं कर रहा है। अगर इसराइल के पास्ट आप इसके हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 20 अगर बात कर ले यहाँ 2008 और 2009 के दौरान भी एक ऑपरेशन चला था इसराइल का, जो ऑपरेशन कास्ट लीड था, अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 200 ग्राउंड जो है उसके लॉन्च किए गए थे व्हाइट फॉस्फोरस के, है ना, जो कि गाजा के शहर पे ही किया गया था, इसलिए गाजा को बहुत ज्यादा इसके लिए भी डर है कि ये चीजें की जा रही हैं। यही नहीं, अगर मैं आपको एक करंट डेटा और भी बताता हूँ, आप जानते हैं अभी यूक्रेन में और रशिया में जो युद्ध चल रहा है उस वॉर में भी व्हाइट फॉस्फोरस का यूज जो है होने की पुष्टि की गई है इंटरनेशनल लॉ के तरफ से। तो ये सब सारी चीजें यही थी, लेकिन ये वेपन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, व्हाइट फॉस्फोरस जो ह्यूमन बींग्स है उसके लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए इससे बच के जितना रहा जा सकता है वो एक सही रह सकता है, नहीं तो पूरी की पूरी जाति को बर्बाद करने की कैपेसिटी जो है इस बॉम्ब में होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।